हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आयोग के टेस्ट सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग की, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की। यूपीएससी आयोग से बनने वाले तमाम प्रश्नों की बात करेंगे जो एमपीपीएससी प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। देन इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट में देखिए, कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो विशेष रूप से याद रखना है, सिविल सेवा का जनक कौन कहा जाता है, याद रखिएगा, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। तो ये विशेष रूप से फैक्ट याद रखना है। इसके बाद सेकेंड फैक्ट की बात करेंगे तो विशेष रूप से याद रखिएगा, 1800 में इसकी अगर यूपीएससी के इतिहास की बात करें तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहाँ पर, कलकत्ता में। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज था दोस्तों, यहीं पर आप याद रखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज पर ही यूपीएससी के जो भी अधिकारी सेलेक्टेड होते थे यूपीएससी की परीक्षा में, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था, है ना। इसके अलावा इसको बंद कर दिया गया। फिर देन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के ज़रिए यहाँ पर शासन करना चालू कर दिया था। तो 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कॉलेज खोला था, फिर वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाने लगी। देन इसके बाद ये पॉइंट ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जो कि महत्वपूर्ण है, ये वाला 1922 में, ये पॉइंट जरूर याद यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 1855 में लंदन में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। देखिए इसके पहले सिफारिश के आधार पर अपॉइंटमेंट किए जाते थे यूपीएससी में जो भी नियुक्ति होती थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो 1855 में पहली बार ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन यूपीएससी ने सबसे पहले कब आयोजित किया था। तो याद रखिएगा, 1855 में लंदन में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था यूपीएससी की। तो विशेष रूप से ये जरूर याद रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसी के आगे, ये याद रखिएगा कि 1864 में सत्येंद्रनाथ प्रथम भारतीय थे यूपीएससी क्रॉस करने वाले, यानी प्रथम भारतीय कौन थे जो यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले थे व्यक्ति। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि भारत में सबसे पहले यूपीएससी परीक्षा का आयोजन किस शहर में आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, 1922 यानी 1922 में इलाहाबाद में पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो इलाहाबाद मध्य प्रदेश के, सॉरी आप ये इंडिया के इलाहाबाद, यानी इसका नाम चेंज हो गया है, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है। तो याद रखिएगा, 1922 में इलाहाबाद में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, है ना। देन इसके बाद बात कर लेते हैं ली आयोग। देखिए ली आयोग की सिफारिश पर, याद रखिएगा, ली आयोग की जो रिपोर्ट थी 1924 में, इसकी गठन ली आयोग का कब हो चुका था, 1923 में इसने फाइनली जो रिपोर्ट दी थी 1924 में दी थी। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देन इसके बाद याद रखिएगा, इसका नाम तो यूपीएससी का पहले क्या था, फेडरल सर्विस कमीशन, तो ये भी याद रखना है, ये 1 अप्रैल 1937 तक था। देन इसके बाद आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम दिया गया, विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि संघ 26 जनवरी 1950 को ही इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्लियर है। देन इसके बाद याद रखिएगा, कोठारी समिति आई 1976 में, कोठारी आयोग, है ना, इस पर कुछ क्या किए, कुछ निर्देश दिए, कुछ समझौते दिए इसने, और कुछ समिति, कुछ जैसे कि कुछ सीसेट वगैरह के क्वेश्चनों का आयोजन कराना, है ना, इस टाइप से कुछ समिति में इन्होंने क्या दिए, निर्देश दिए। तो विशेष रूप से यहीं तक याद रख लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओके। तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए ये क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, बिल्कुल सिंपल है, हमने पहले देख लिया चार्ट के माध्यम से, तो आप सिंपल आंसर दे पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
इसकी सिफारिश पर किस आयोग की, ली आयोग की सिफारिश पर, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है, तो विशेष रूप से याद रखना ये कुछ ऑप्शन है आपके सामने, ABCD ऑप्शन दिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार मूल विभाग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है। वैसे हमने चार्ट में इसकी चर्चा कर ली है, तो आप बिल्कुल आंसर दे पाए होंगे आप, आई होप। याद रखिएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर एट राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू किया गया था और उसी दिन इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जा का मतलब यह है कि इसमें एक आर्टिकल है 315 यानी 315 जिसके तहत इस आयोग की स्थापना की गई है, तो विशेष रूप से याद रखना है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए रॉयल कमीशन की स्थापना कब की गई थी, ये ऑप्शन आपके सामने है, तो याद रखिए रॉयल कमीशन ने ली आयोग की बात की जा रही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में, है ना, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रॉयल कमीशन की स्थापना 1923 में हो चुकी थी, लेकिन इसने फाइनली जो रिपोर्ट थी कब दी थी, 1924 में, है ना, 23 में हुई थी और फाइनली रिपोर्ट दी थी आपकी 1924। ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। विशेष वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा रॉयल कमीशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, विशेष रूप से याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाए। हम चार्ट के माध्यम से पहले बता चुके हैं इस चीज़ को, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, लॉर्ड ली। लॉर्ड ली को ही रॉयल कमीशन बोला जाता है, इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की गई थी, है ना, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी अगले नेक्स्ट मंथ क्या है, MPPSC एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, PSC प्री, तो बेहद बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो, एक करंट का डेटा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर जाएगा, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी क्या है, UPSC के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो विशेष रूप से याद रखना है डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, भारत के UPSC के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम UPSC के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो विशेष रूप से ये फैक्ट जरूर याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर जाएगा, आप याद रखिएगा सर रोस बार्कर UPSC के प्रथम अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष से याद रखिएगा। चलिए वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर आपके ABCD दिए गए हैं, याद रखिएगा। एक्चुअली संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC एक संवैधानिक आयोग है, तो इसका जिक्र कहीं ना कहीं संविधान के किसी आर्टिकल में होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 315 आर्टिकल्स में इसका जिक्र किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, तो याद रखिएगा आर्टिकल 315 से लेकर आप 323 तक, 315 से लेकर 323 तक इसके गठन, सेवा संबंधी, नियुक्ति संबंधी और आयोग के खर्च संबंधी और रिपोर्ट संबंधी सारे के सारे अधिकार इसी संविधान में वर्णित हैं, आर्टिकल 315 से 323 तक, विशेष रूप से याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, महत्वपूर्ण है, संघ लोक सेवा आयोग कौन सा निकाय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। देखिए अगर एक्चुअली बात की जाए संवैधानिक निकाय की, संवैधानिक निकाय वही निकाय होगा, याद रखिएगा, जो जिसका वर्णन संविधान के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना है। UPSC का वर्णन आर्टिकल 315 से 323 तक है, देखा था हमने पहले चार्ट में, तो याद रखिए किस प्रकार का निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा दोस्तों, याद रखिएगा संवैधानिक, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा किसको रिपोर्ट देता है, ये ऑप्शन आपके सामने है, संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। चलिए इसके राइट आंसर की बात की जाए, तो याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC अपनी प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, याद रखिएगा,
और राष्ट्रपति संसद को देता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट संसद को नहीं देता यूपीएससी अपनी रिपोर्ट, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति संसद पर रखता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की, संघ लोक सेवा आयोग किस अधिनियम द्वारा शासित होता है, याद रखिएगा। इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 1969 है, याद रखिए, संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम 1969 द्वारा शासित होता है, ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन ही। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, याद रखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद और संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। जैसे पहले जिक्र किया हमने कि ये एक संवैधानिक निकाय है ना, तो याद रखिएगा संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका प्रावधान किया गया है, किसका, यूपीएससी का, याद रखिएगा, यूपीएससी या स्टेट पीएससी जो भी होता है ये एक ही है पर्टिकुलर, तो याद रखिएगा 315 से 323 तक, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एमपीपीएससी प्री में, है ना, तो इनको बिल्कुल फोकस करके याद रखिएगा, है ना, याद रखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। यूपीएससी के अध्यक्ष हों या सदस्य, इनकी जो आयु होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ही सेवा पर बने रह सकते हैं, है ना, तो विशेष रूप से याद रखिए। और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ये भी विशेष रूप से याद रखिए। चलिए 13 क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रथम अध्यक्ष यूपीएससी के कौन थे जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सर रोज बारकर, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही 26 जनवरी 1950 के बाद की, है ना, तो 26 जनवरी 1950 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम जो अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर जाएगा, एच के कृपलानी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, यूपीएससी के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है, वेतन भत्तों का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो याद रखिए खर्च वगैरह जो होता है ना वेतन भत्ते, तो विशेष रूप से ये जरूर याद रखना है आप। राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 322 है ना, 322 आर्टिकल में 323 में तो प्रतिवेदन देता है कौन, यूपीएससी, किसको, राष्ट्रपति को, और 322 में क्या होता है खर्च वगैरह का ब्यौरा होता है इसमें, इसके तहत ही इसको यूपीएससी के सदस्य या उपाध्यक्ष को वेतन वगैरह निर्धारित किए जाते हैं, है ना, और ये भी याद रखना कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष और सदस्य होता है इनके जो वेतन है संचित निधि से भारत होते हैं, भारत की जो संचित निधि होती है उसी से दिए जाते हैं और इस पर वोटिंग नहीं होती, मतदान नहीं होता, जिनका भी वेतन संचित निधि से बनता है उस पर कोई संसद पर मतदान नहीं होता उनके वेतन पर, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया है, तो विशेष रूप से याद रखना है इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, है ना, यूपीएससी का पुराना नाम फेडरल आयोग था तो इसके तहत ही नया नाम दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, है ना, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हो तो चैनल को इस लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।